जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अंबाला कैंट रिक्रूटमेंट 2023 के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, साथ ही इसकी शॉर्ट में क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड अंबाला कैंट से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के लिए फ्रेंड्स आप सभी 29 सितंबर 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल तक आवेदन कर पाएंगे। OBC कैंडिडेट 18 से 28 साल तक, इसके अलावा SC ST कैंडिडेट 18 से 30 साल तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप किस पोस्ट की, आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है, साथ ही उस पोस्ट में क्या सैलरी रहने वाली है, वो आप सभी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपकी मैसेंजर, मजदूर, रेंज चौकीदार, गार्डनर, सफाई वाला, कुक, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, फायरमैन, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की आप सभी के यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो आप सभी अपने यहाँ से क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपने मिनिमम यहाँ पर 10th क्लास पास आउट की हुई है तो भी आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करके इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म का PDF है वो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी गई है कि आप सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी को इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। फ्रेंड डिटेल क्वालिफिकेशन चेक करने का लिंक, साथ ही आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक, ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप सभी को इस भर्ती के लिए ऑफलाइन तरीके से कैसे अप्लाई करना होगा। फ्रेंड जैसे आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो आप सभी को इस प्रकार का फुली HD क्वालिटी में PDF देखने को मिल जाएगा। कलरफुल PDF आपका टाइप किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का जो टोटल पेज की बात किया, टोटल आपका 3 पेज का ये ऑफलाइन फॉर्म का PDF आपका रहने वाला है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको इसको कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप HD क्वालिटी के फॉर्म से ही फॉर्म अप्लाई करें। यदि आप वह ब्लैक एंड वाइट से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन रहती है, जिसके कारण चांसेस होते हैं कि आपका एडमिट कार्ड ना आए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो हमेशा जो भी आप फॉर्म अप्लाई करें वो HD क्वालिटी के फॉर्म से ही अप्लाई किया करें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप सभी को चिपका देना है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाने के बाद आप सभी को उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, यानी कि आप सभी को अपने उस पर सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप सभी अपने फॉर्म को अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ ही मैं आपको ये और बताना चाहूँगा फ्रेंड, देखिए आपको जो भी यहाँ पर आप जानकारी देंगे वो आपको कैपिटल लेटर में देनी होगी, आपको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा हुआ रेफरेंस न्यूज़पेपर, यानी ये है भर्ती आपकी किस न्यूज़पेपर में आपकी आई है, तो आपको यहाँ पर लिखना है EMP न्यूज़, यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। आपको यहाँ पर केवल EMP न्यूज़ ही लिख देना होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर का, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड डेट की बात किया है तो आपका जो यहाँ पर डेट को 9 से आपको लिखना है 15 सितंबर 2023, यानी कि इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो आपका 9 से 15 सितंबर 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड इसके बाद आप सभी को फिर से आप सभी अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम आप सभी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका नाम क्या है, आप सभी को अपने यहाँ पर नाम आप सभी को मेंशन करना है। इसके बाद आप सभी का फादर नेम क्या है, आप सभी को अपने पर फादर नेम आप सभी को मेंशन करना होगा।
इसके बाद आपका मदर नेम क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर मदर नेम मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। सबसे पहले आप दिन में मेंशन कर देंगे, उसके बाद आप मंथ में मेंशन कर देंगे, उसके बाद आपकी जो भी ईयर है वो आप ईयर में मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को अपने यहाँ पर जेंडर के बारे में जानकारी देनी होगी। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस दिन से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना होगा कि जो आपकी एज है वो कितने ईयर और कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है, और कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपसे यहाँ पर जानकारी पूछी हुई है नेशनलिटी के बारे में, तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी में लिखना है इंडियन। इसके बाद जो भी आपका धर्म है आप सभी अपना धर्म मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पर करस्पोंडेंस एड्रेस मेंशन करना होगा, और इससे जस्ट नीचे आपसे पूछा हुआ परमानेंट एड्रेस, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा। देखिए आपका परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, और जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो वो आपका करस्पोंडेंस एड्रेस कहलाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपके सेम है, आप सेम आप जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है आप वहीं पर रह रहे हो और वहीं पर अपना एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हो, तो आप अपने यहाँ पर सेम एड्रेस आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आपका हाउस नंबर क्या है, आप सभी हाउस नंबर यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपको अपने हाउस नंबर के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने हाउस नंबर के बारे में जानकारी होगी। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका तहसील क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर तहसील का नाम आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप सभी को अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सभी को मेंशन कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप किस स्टेट के निवासी हैं, अपना स्टेट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके एरिया का पिन कोड क्या है, आप सभी अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप अपना यहाँ पर जो आपका सेम आपने ऊपर एड्रेस फिलअप किया है उसी एड्रेस को आप सभी यहाँ पर सेम फिलअप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पोस्ट ऑफिस जो आपने ऊपर लिखा हुआ उस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर मेंशन करेंगे, नहीं आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिर से यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद फ्रेंड देखिए आपका जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर है आप सभी अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी क्या है, आप सभी को अपने यहाँ पर ईमेल आईडी के बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पर जानकारी देनी होगी आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको एक लिख देना है। इसके बाद देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 12th पास। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन जो यदि आपकी 10th पास वैकेंसी है तो आप अपने यहाँ पर 10th के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपकी 12th पास किसी पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई करें तो आपको अपने 12th के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर 10th या 12th क्वालिफिकेशन भरी है, आपने किस स्कूल यानी कि किस कॉलेज से आपने पास आउट की है आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बोर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी, नहीं आपने अपनी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या है, इसके बाद आप सब यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी डिवीजन क्या है, आपको अपने यहाँ पर डिवीजन के बारे में जानकारी दे देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को राइट टिक का चिन्ह लगा देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ आना है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो 14 नंबर ऑप्शन को फिलअप करेंगे वरना आप सभी रिक्त छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 15 नंबर ऑप्शन में यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे वरना आपको नो पर राइट टिक का चिन्ह लगा देना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यहाँ पर आप सभी जानकारी दे देंगे। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे वरना आपको नो पर राइट टिक का चिन्ह लगा देना होगा और आपको आगे बढ़ जाना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी आज की डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे और आप सभी को अपने यहाँ पर विलेज या सिटी का नाम आप सभी को मेंशन करना है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं यदि आप, तो आपको अपना यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो राइट हैंड का आपको थंब लगा देना होगा। ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये आपका ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रहने वाला है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फिर से आप सभी को पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद फिर से आप सभी उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, यानी उस पर आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेम अपनी यहाँ पर जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सभी दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को अपना फादर जो नेम है पिताजी का नाम, वो आप सभी मेंशन करेंगे। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोस्ट का नाम। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको मेंशन करना है। देखिए फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पर हाउस नंबर, विलेज का नाम, तहसील क्या है, यानी तहसील का मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पोस्ट ऑफिस यानी आपका डाकघर, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, स्टेट यानी राज्य। इसके बाद आप सभी को अपने एरिया का पिन कोड, यहाँ पर एक ईमेल आईडी और यहाँ पर आप सभी एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर टेस्ट ये आपको नहीं लिखना है, वेन्यू ऑफ टेस्ट ये भी आपको नहीं लिखना है, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना होगा। 6 जो आपके 7 नंबर ऑप्शन है ये आपको फिलअप नहीं करने हैं। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार आपका जो कम्प्लीट फॉर्म है वो आपका फिलअप हो जाता है। अभी मैं आपको जानकारी दूंगा लिफाफों के बारे में कि आपको अपने लिफाफों को कैसे फिलअप करना है। बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को अपने बुक सेलर के यानी पुस्तक भंडार के पास जाना है, पुस्तक भंडार की शॉप पर जाना होगा और वहाँ से 2 लिफाफे खरीद लेने होंगे। वहाँ पर जाकर कह देना कि 2 पोस्ट वाले लिफाफे दे दो, तो वो आपको 2 दे देगा। एक आपको 3 रुपये वाला खरीदना है, एक आपको 2 रुपये वाला खरीदना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक आपका थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, एक आपका छोटा रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इनको कैसे फिलअप करना होगा। यहाँ पर भी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे वाले लिफाफे के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स मान के चलिए ये आपका छोटा वाला लिफाफा है, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है और आप सभी को कॉमा लगा देना होगा। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम, सनकपुर के पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर 25 रुपये का आपको डाक टिकट लगा देना है। देखिए जो आपको डाक टिकट मिलेगा वो आपको अपने पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, जब आप अपने फॉर्म को सेंड करने जाएंगे तो वहाँ से 25 रुपये का डाक टिकट खरीद लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स जब भी आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक दिक्कत आने वाली है। वहाँ पर वे कहेंगे कि हमारे पास तो 25 रुपये का डाक टिकट नहीं है, हमारे पास 5-5 रुपये वाले हैं, 1-1 रुपये वाले हैं, 2-2 रुपये वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको उनसे 25 रुपये का डाक टिकट खरीद लेना, चाहे वो 1-1 रुपये वाले दें या 2-2 रुपये वाले दें या 5-5 रुपये वाले दें या 10-10 रुपये वाले। 10-10 वाले देते हैं तो आपको 30 रुपये के खरीद लेने और यहाँ पर चिपका देने होंगे। ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको पर 25 रुपये का ही डाक टिकट लगाना है, कहने का मतलब है कि आपको 25 रुपये खर्च करने और 25 रुपये के आपको यहाँ पर डाक टिकट लगाने होंगे, 25 रुपये वाला डाक टिकट नहीं लगाना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये आपका जो अभी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा बड़े वाले लिफाफे के बारे में, बस छोटे वाले लिफाफे पर आपको इतना ही करना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया, बड़ा वाला लिफाफा थोड़ा तिरछा बन चुका है लेकिन आप मैनेज करने का प्रयास करें। देखिए ये आपका बड़ा वाला लिफाफा बन चुका है, सबसे ऊपर आप सभी को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर आप सभी लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, यानी आप इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर कैटेगरी के बारे में जानकारी दे देनी होगी, यानी कि आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको साइड में फॉर्म लिखना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको इस स्थान पर आप सभी को अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आप सभी को लिख देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 लिखना है और आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सेंडिंग एड्रेस बताया था अंबाला कैंट वाला, उस एड्रेस को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स सभी डॉक्यूमेंट की अपनी फोटोकॉपी करवा लेंगे, जैसे 10th की मार्कशीट के आपने 12th क्लास पास आउट किए तो 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, यदि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे हैं SC ST OBC से कर रहे हैं तो अपने जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, इसके अलावा एक फोटोग्राफ आप सभी इसके अंदर भी रख देंगे इस बड़े वाले लिफाफे के, और इस छोटे वाले लिफाफे को इसके अंदर रखेंगे, इस ऑफलाइन फॉर्म को इसके अंदर रख देंगे जो अभी आपने फिलअप किया है। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट की आप अपनी फोटोकॉपी करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट की सभी की फोटोकॉपी करवाने के बाद इसके अंदर रख देंगे। और आपको याद रखना है, देखिए रखने के बाद आप सभी को अपने पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और इस फॉर्म को आप सभी को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना होगा। आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका वहीं मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी देखिए आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि आप सभी को फ्यूचर में भी इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।